मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज से 20 साल पहले जब मैंने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू की थी तब बिल्कुल अकेला था, लेकिन एक बार चला तो पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज 100 लोगों की टीम और 10 लाख लोगों का परिवार मेरे साथ है। एक बहुत ही प्यारी जर्नी थी जहाँ लाइफ के बहुत सारे उतार चढ़ाव से सीखने को मिलता है और साथ में आप लोगों के प्यार से एक अलग ही कारवां, एक अलग ही मोहब्बत बनता चला गया और बहुत ही एक प्यारी सी चीज़ थी। फिलहाल चलते हैं आज के टॉपिक पर कि इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा स्टॉक जो अभी लगभग एक साल पहले ही मार्केट में लिस्ट हुआ है और तब से लेके अभी तक 179% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दे चुका है। टूरिज्म सेक्टर का स्टॉक है और इस बजट में काफ़ी राहत की सांस मिली है इस सेक्टर को, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये बेहतर कर पाए क्योंकि सरकार का भी कहीं साथ तो हाथ में है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिससे सारी न्यूज़ आपके पास रहे। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में 5 बुक अभी तक डाली जा चुकी है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टू टाइम हम उसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक डालते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि अभी तक हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों डाली है, आगे भी डालेंगे। ट्विटर पर अब हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, यानी कोशिश हर दिन कुछ नया। तो टेलीग्राम और ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, पूरा फायदा लीजिए और भाई को प्यार दीजिए। और टूरिज्म उन सेक्टर में से एक है जो अभी भी पेंडेमिक की मार से उबर नहीं पाए। थोड़ी बहुत उम्मीद दिख भी रही थी सेकेंड वेव के बाद, तो थर्ड वेव ने लोगों को यात्रा से रोक दिया, जिसके कारण इस सेक्टर की रिकवरी पर ब्रेक लग गया। हालांकि टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बजट 2022 में सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम के फंड को 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 5,00,000 करोड़ कर दिया। गवर्नमेंट की इस पहल से होटल, ट्रेवल ऑपरेटर, इंडस्ट्री से रिलेटेड छोटे फर्म को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आसानी से लोन मिल पाएगा। FM ने यह भी कहा कि आगे नीड के मुताबिक इस फंड को और भी बढ़ाएंगे। तो ये हो गई बजट की बात, जिससे आप क्लियर समझ गए कि इस सेक्टर को क्या फायदा होगा। अब इंडियन टूरिज्म सेक्टर अभी हमारे इंडिया में किस तरीके से है ये समझिए। 8th लार्जेस्ट टूरिज्म इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यहां पर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल, भारत में टूरिज्म इंडस्ट्री 2019 में भारत के इंडिया के GDP का $194 बिलियन था, यानी 6.8% कवर करता था। 39.80 मिलियन लोग जॉब पा रहे थे। सरकार की उम्मीद 2028 तक ये GDP के लगभग 10% को कवर करेगा। 53 मिलियन लोगों को जॉब मिलेगी। जी हाँ, 2030 तक इंडियन ट्रेवल मार्केट दुनिया की टॉप 5 मार्केट में शामिल हो जाएगी। ओवरऑल कहें तो एक मैसिव ग्रोथ है इस सेक्टर में आने वाले 5 से 6 साल में, अगर कोविड ने अपना वापस से कोई फोर्थ वेव जैसा ना आया हो और ना आए भगवान। आज हम आपको दोस्ती कराने वाले हैं ऐसे ही एक शेयर से, इजी ट्रिप प्लानर। जी हाँ, यानी इजी माय ट्रिप मार्च में सक्सेसफुली लिस्ट हुई पिछले साल 19 मार्च 2021 को BSE पर 10% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुई। कंपनी का 510 करोड़ का इशू साइज, 160 से ज़्यादा टाइम सब्सक्राइब हुआ। नतीजा ये हुआ कि 2021 का सबसे बेहतर रिटर्न देने वाला IPO स्टार्टअप कंपनी बना। स्टार्टअप कंपनी, जी हाँ, ये याद रखिएगा। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके सामने 9 ऐसे स्टार्टअप हैं जो लिस्ट हुए और उनका रिटर्न आपके सामने है। अब बात करते हैं कंपनी की, कि कंपनी की शुरुआत कैसे होती है। कंपनी 2008 में शुरू हुई। रेवेन्यू के टर्म में ये इंडिया की थर्ड और बुकिंग के टर्म में ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी है। इनके सर्विस की बात करें तो हर तरह के ट्रेवलिंग प्रोडक्ट और इंड टू इंड सर्विस, जैसे एयरलाइंस टिकट, रेल टिकट, बस टिकट, टैक्सीज, हॉलीडे पैकेज, होटल, अदर वैल्यू एडेड सर्विस, दैट मींस ट्रेवल इंश्योरेंस, वीजा प्रोसेसिंग एक्स्ट्रा, कंपनी अपनी सारी सर्विसेज ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ऑफर करती है। आप इनके मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करके इनकी सर्विस ले सकते हैं।
कंपनी ने 2015 में अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था और 31 मार्च 2020 के मुताबिक इनके ऐप 4.24 मिलियन डाउनलोड्स हुए। इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये B2B2C यानी बिजनेस टू बिजनेस टू कस्टमर और B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर और B2E यानी बिजनेस टू इंटरप्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू अपनी सर्विस ऑफर करते हैं। कंपनी की 86.5% बुकिंग वॉल्यूम B2B सेगमेंट से होती है, B2E से 3% और B2B2C से 10.7% बुकिंग जनरेट करते हैं। नवंबर 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपने कस्टमर को 400 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस और देश के टॉप 59,274 रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंट के थ्रू अपने सर्विस को ऑफर करते हैं। आज के डेट में कंपनी के पास 10.32 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर की एक लंबी लिस्ट है और ये एक यूनिक प्राइसिंग मॉडल का फॉलो करते हैं जिसमें कंपनी कस्टमर से कोई कन्वीनियंट फी नहीं लेती। और कोविड के दौरान भी कंपनी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में इकलौती प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो एयरलाइन बुकिंग से 98.12%, होटल पैकेज से 1.65%, अदर सर्विस लाइक रेल टिकट, बस टिकट, टैक्सी रेंटल से 0.23% का जनरेशन होता है। वहां पर नेट इनकम देखिए लगातार बढ़ रहा है, चाहे 18 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो, आपके सामने है। वहां पर टोटल रेवेन्यू 2021 में गिरा है बट इब्टा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहां पर कंपनी पर डेट 52.2 करोड़ का है, फ्री कैश फ्लो 83.8 करोड़ का है, ROCE 65.5% और ROE 46.5% का है। इंडस्ट्री PE 57.7 है और इनका PE 55.4 है, यानी न महंगा न सस्ता। रिटर्न ओवर 6 मंथ जाएं तो 25.9% का रिटर्न दिया है। अगर मेजर कॉम्पिटिटर निकाले तो स्टॉक मार्केट में एज अ लिस्टेड कंपनियों में कोई मेजर कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेवल टूर से रिलेटेड इकलौती लिस्टेड कंपनी है। लेकिन मार्केट को जो है ओपन मार्केट, वहां पर बिजनेस को टक्कर देने के लिए 3 कंपनियां हैं इनके, वो हैं क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप और यात्रा ऑनलाइन, जिसका डेटा और चार्ट आपके सामने दिख रहा है कि कौन किस तरीके से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर ये लोग बहुत तेजी से आगे आने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये तो थी कंपनी की बात, अब आते हैं लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो 31 जनवरी 2022 दुबई सिलिकॉन ओएसिस और इंडिया इनोवेशन हब हैव अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद ईज माई ट्रिप एंड HSBC टू फैसिलिटेट 200 इंडियन स्टार्टअप टू शोकेस देयर बिजनेस आइडियाज एंड इनोवेशन टू ग्लोबल इन्वेस्टर एट एक्सपो दुबई। इन्होंने पार्टनरशिप की है रीजनल एयरलाइन फ्लाईबिग के साथ सेल करने के लिए एक्सक्लूसिवली इनके प्लेटफॉर्म पर। इनका जो बोर्ड है उन्होंने मीटिंग की है 12 जनवरी 2022 को, जहाँ बोनस इशू 1:1 के रेशियो में करने का किया है। 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 इच फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 इच हेल्ड बाय शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। यहाँ पर कंपनी ने एक्वायर किया है 100% स्टेक स्प्री होटल एंड रियल एस्टेट में। ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म इज माई ट्रिप ऑन संडे रिपोर्टेड 83.8% जंप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू 40.42 करोड़ इन थर्ड क्वार्टर। जी हाँ, इस थर्ड क्वार्टर में इनके Q3 के रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में आपने तेजी भी देखी है, क्योंकि बेहतरीन रिजल्ट लगातार है। इनके फ्यूचर प्लान की बात करें तो ट्रैवलिंग में इनका एक इकोसिस्टम बिल्ड करने का प्लान है। 2021 में ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू 2100 करोड़ था। विदाउट द ओमनीक्रॉन कंपनी का गोल है कि फाइनेंशियल ईयर आगे आने में 3500 करोड़ ले पाएँ और उसको बेहतर कर पाएँ। तो ओवरऑल कंपनी अपने सेगमेंट में लीड करते हुए दिख रही है और फ्यूचर में ग्रोथ के लिए सारी प्लान के साथ बेहतर से बेहतर कर रही है। तो और भी ये सारी चीज़ें ही एक प्रॉस्पेक्ट होती है कि मैनेजमेंट किस तरीके से सोचता है, मैनेजमेंट किस तरीके से करता है, और यही सारी चीज़ें किसी स्टॉक को बेहतरीन रिटर्न दिलाने में कारगर करती है। जैसे इन्होंने पहले भी बेहतरीन रिटर्न दिया है और इन सब चीज़ों के मद्देनज़र आगे भी बेहतर परफॉर्म करते हुए रिटर्न दे सकते हैं। जहाँ पर जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं उसकी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर चार्ट में भी काफ़ी अच्छा सिनारियो बन रहा है जो आपके सामने है। तो आई होप कि ये ब्रेकआउट हो और इसके ऊपर सस्टेन करे तो मार्केट में आप तेजी देख सकते हो। बट ये वीडियो जिस दिन शूट हुआ है उसकी कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दूसरे भी सीखें और कमाएं और प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।